अंग ऐसे यूजुअली शुरू से हो रहा है, पर अभी एक बड़ा अच्छा मतलब मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले पता लगा, प्रैंक होने के 10 दिन बाद पता लगा मुझे कि मेरे साथ प्रैंक किया गया था, मतलब ऐसा चीज़ हुई। तो अभी कुछ कुछ इस चीज़ के प्रमोशन के लिए एक स्क्रिप्ट आई छोटी चैनल की तरफ से कि वो मतलब बोल के उसको शूट करके भेजना है, तो वो पूरी मराठी में थी एंड और सिंपल मराठी नहीं, मतलब काफ़ी स्ट्रेट मतलब इन्फॉर्मेटिव मराठी उस तरीके से लिखा हुआ था, तो इतना मतलब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था उस तरीके से, जो कि इसके लिए आई थी, इसको पढ़ के बोलना था। मुझे भी एक स्क्रिप्ट की कॉपी थी जो मुझे भी दे दी गई और बोला गया कि तुम्हें बोलना है पूरा मराठी में, इसको याद करो और बोल दो। मैं उस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बोलना है, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं इनके ड्रेसिंग रूम में जाके शुभांगी मैम से बात कर रहा हूँ, मैम मैं कैसे बोलूँ ये और वो, हाँ मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ ये, मैं ऐसे कैसे पढ़ूँ। शुभांगी मैम काफ़ी सीरियसली कि नहीं 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 ये बहुत गलत किया, अब तुम नहीं बोल सकते हो तो तुम्हें रट के बोलना पड़ेगा, अब क्या करें, करना पड़ता है सब कुछ। आधे एक घंटे ये चीज़ चली, मैंने थोड़े बहुत पढ़ने की कोशिश भी करी, उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ उसको पढ़ना है। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा सांस में सांस आई। उसके 10 दिन बाद मुझे पता लगता है कि वो जो सारा जो सीन है जो क्रिएट करा था वो शुभांगी मैम ने खुद ने किया, तो जो सबसे ज़्यादा कंसोल कर रही थी मुझे उन्होंने किया, तो बोला था कि एक स्क्रिप्ट जाके उसको दे दो और उसको बोलो उसे पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा वही मेरी मतलब मुझे कंसोल करी कि नहीं बेटा ये बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, ये तो कैसे करोगे तुम। तो मैं मैम से ही बातें कर रहा हूँ, मुझे बाद में पता लगा कि सारा का सारा जो प्रैंक था उन्होंने ही सेटअप करा हुआ था। तो ऐसा चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है मेरे साथ।